हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द बैंक आई क्यू। मेरा नाम है तरुण और अब हम करेंगे 50 इंपॉर्टेंट पजल्स का सेट नंबर 10। तो देखते हैं इसमें क्वेश्चंस क्या गिवन है। ओके सो फर्स्ट आपके पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ, देखिए। सो क्वेश्चन में क्या गिवन है, उसमें बोला है कि 8 फ्रेंड्स जिनके नाम यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है, सिटेड इन अ सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर। दे लाइक डिफरेंट कलर्स, उनको अलग अलग कलर्स पसंद है, कलर्स के नाम यहाँ पर दिए हुए हैं। नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, फाइन। उसके बाद दे ऑल्सो हैव अ डिफरेंट ऑक्यूपेशन, और सबका अलग अलग क्या है, ऑक्यूपेशन है। ऑक्यूपेशन के नाम यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है। नॉट नेसरली इन द सेम ऑर्डर, फाइन। सो बेसिक इन्फॉर्मेशन उसने हमें क्या बताई है कि 8 आपके पास क्या है, फ्रेंड्स हैं, ठीक है, जो कि एक सर्कुलर टेबल में बैठे हुए हैं, और सबके सब कहाँ देख रहे हैं, सेंटर की तरफ देख रहे हैं। सबको अलग अलग कलर्स पसंद है, इसका 8 आपके पास क्या है, कलर्स हैं, ठीक है, और सबके अलग अलग ऑक्यूपेशंस हैं। इसका मतलब कि 8 आपके पास ऑक्यूपेशंस हैं, ठीक है। इतनी आपके पास बेसिक इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद यहाँ पर उसने हमें कंडीशंस दी हैं, तो एक काम करते हैं हम क्या कि कंडीशंस को प्रॉपरली लिख लेते हैं और फिर उसके बाद इस पजल को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, ओके सो एक काम करता हूँ, मैं दो यहाँ पर पॉसिबिलिटी पहले बना लेता हूँ, ठीक है। हम जानते हैं टोटल आपके पास मेम्बर्स कितने, 8 मेम्बर्स हैं, तो फर्स्ट एंड देन सेकेंड पॉसिबिलिटी, ठीक है। आप कंडीशंस लिखते हैं, देखिए, द वन हु लाइक्स पर्पल इज सिटेड ऑपोजिट टू द वन हु इज़ अ यूट्यूबर। ओके, उसने बोला कि वो पर्सन जिसको पर्पल कलर पसंद है वो ऑपोजिट है किससे, जो कि एक यूट्यूबर है, ठीक है। तो पर्पल के ऑपोजिट क्या होगा, यूट्यूबर होगा, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, जो भी हमारे पास प्रोफेशंस होंगे ना, मतलब ऑक्यूपेशन होंगे, उनको मैं ब्रैकेट में बना दूंगा, ठीक है। उसके बाद ए इज नीदर द यूट्यूबर एंड नीदर डज ही लाइक्स पर्पल, ओके। और ए को, ये दोनों ही आपके पास ए नहीं हो सकते हैं, उसने हमसे ये चीज़ बोली है, ठीक है। उसके बाद यूट्यूबर इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ एच, ओके। और यूट्यूबर कहाँ पर है, वो इमीडिएट राइट में है किससे, एच से, ठीक है। उसके बाद उसने बोला कि द पेंटर इज सिटेड ऑपोजिट टू एच, पेंटर कहाँ पर है, ऑपोजिट है किससे, एच से, पेंटर इज ऑपोजिट टू एच, ठीक है। एंड एच इज नॉट द टीचर, एच टीचर नहीं है, ठीक है। एंड एफ लाइक्स ब्लैक, ओके, और एफ को क्या पसंद है, ब्लैक कलर पसंद है, ठीक है। उसके बाद उसने क्या बोला हमसे कि डीज नेबर लाइक पिंक एंड रेड, ओके, और जो डी के नेबर्स हैं उनको क्या पसंद है, पिंक और रेड कलर, ठीक है। उसके बाद एच लाइक्स ब्लू, एच को क्या पसंद है, ब्लू कलर पसंद है, ठीक है। उसके बाद वन हु लाइक्स पिंक इज सेकेंड टू द राइट ऑफ ई द म्यूजिशियन, ओके। उसने बोला कि वो पर्सन जिसको पिंक कलर पसंद है, ठीक है, वो कहाँ पर है, सेकेंड टू द राइट किससे, ई से, जो कि क्या है, एक म्यूजिशियन है, ठीक है। उसके बाद वन हु लाइक्स रेड इज नॉट अ नेबर ऑफ पेंटर, ओके, और वो पर्सन जिसको रेड कलर पसंद है वो नेबर नहीं है किसका, पेंटर का, ठीक है। उसके बाद ए इज सिटेड थर्ड टू द राइट ऑफ टीचर, ओके, और ए कहाँ पर है, थर्ड टू द राइट किससे, टीचर से, ठीक है। उसके बाद बी इज थर्ड टू द राइट ऑफ सी, बी कहाँ पर है, थर्ड टू द राइट ऑफ सी, ओके। उसके बाद क्रिकेटर इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डॉक्टर, ओके, और क्रिकेटर कहाँ पर है, थर्ड टू द लेफ्ट, डॉक्टर से क्रिकेटर, थर्ड टू द लेफ्ट किससे, डॉक्टर से, ठीक है। उसके बाद वन हु लाइक्स रेड इज नॉट द कारपेंटर, ओके, और रेड कारपेंटर नहीं है, ठीक है। उसके बाद जी लाइक्स ग्रे, जी को ग्रे कलर पसंद है, ओके। एंड डी इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, डी कहाँ पर है, सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, ठीक है। सी डज नॉट लाइक वाइट कलर, ओके, और सी को वाइट कलर नहीं पसंद है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या बेसिक सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है। अब इन सब का हम यूज़ किस तरीके से करेंगे उनको देखते हैं, देखिए, ओके। सो अगर मैं इसको स्टार्ट करूँ इस वाली कंडीशन से कि पर्पल, इसके सामने क्या आपके पास, वही यूट्यूबर, ठीक है। और इस यूट्यूबर के अगर मैं देखूं, यहां से देखिए,
एच के राइट में आपके पास यूट्यूबर है ना, इसका मतलब एच कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, ये चीज़ हमें कन्फर्म है। सिमिलरली अगर इसकी एक और पॉसिबिलिटी बना लेता हूँ, यहाँ पर आपके पास पर्पल, इसके जस्ट ऑपोजिट कौन होगा, यूट्यूबर, ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, एच आएगा, फाइन। उसके बाद उसने बोला कि एच के ऑपोजिट क्या है, पेंटर है, तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ इसके ऑपोजिट क्या हो जाएगा, पेंटर हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर भी बना सकते हैं पेंटर, फाइन। और आपके पास एच टीचर नहीं है, इस चीज़ का हम ध्यान में रखेंगे, ठीक है। उसके बाद उसने हमसे क्या बोला कि एच को ब्लू कलर पसंद है, मतलब क्या, यहाँ पर ब्लू आ जाएगा आपका, ठीक है, ब्लू, ओके। अब अगर मैं बात करूँ किसकी, ए और टीचर की, तो ए और टीचर को आप कहाँ पर रख सकते हैं, देखिए अगर मैं बात करूँ ए की, तो ए की कहाँ कहाँ प्लेस हो सकता है, उसने एक चीज़ बोली हमसे क्या कि आपके पास ना ही पर्पल और ना ही यूट्यूबर, क्या है वो ए है, तो ए यहाँ और यहाँ तो आ नहीं सकते हैं। उसके बाद देखिए ए यहाँ पर नहीं आ सकता है, फिर अगर मैं ए को यहाँ पर पुट करूँगा, इन दैट केस ए कहाँ पर है, देखिए उसने बोला है थर्ड टू द राइट ऑफ टीचर, तो अगर ए को मैं यहाँ पर पुट करता हूँ, इन दैट केस आपके पास टीचर यहाँ पर होना चाहिए था, तो ए यहाँ पर भी नहीं आ सकता, ठीक है। मैं ए को यहाँ पर पुट कर सकता हूँ, हाँ यहाँ पर हम पुट कर सकते हैं, अगर मैं इन केस ए को यहाँ पर पुट करूँगा तो आपके पास टीचर कहाँ पर आ जाएगा, टीचर आ जाएगा यहाँ पर, देख लीजिए टीचर के थर्ड टू द राइट के आपके पास ए है, ठीक। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर बात करूँ आपके पास और क्या इसकी पॉसिबिलिटी बन सकती है ए की, ए आपके पास यहाँ पर नहीं आ सकता, ए को अगर मैं यहाँ पर पुट करता हूँ, यहाँ पर नहीं आ सकता है, ठीक है, क्योंकि आपके पास यहाँ पर टीचर नहीं आ पाएगा। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर पुट करता हूँ ए को, तो अगर मैं इनकेस ए को यहाँ पर पुट करता हूँ, तो आपके पास टीचर कहाँ पर आना चाहिए था यहाँ पर, लेकिन उसने मना करा हुआ है क्या कि एच आपके पास टीचर नहीं है, इसका मतलब आपके पास ए यहाँ पर भी नहीं आ सकता। अगर मैं ए को यहाँ पर पुट करता हूँ, तो आपके पास टीचर यहाँ पर आ सकता है, हाँ इसके चांसेस है, अगर मैं ए को यहाँ पर पुट करता हूँ तो टीचर आपके पास यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद ए आपका यहाँ पर नहीं हो सकता था, ए आपका यहाँ पर नहीं हो सकता था, इसका मतलब क्या है, आपकी सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटीज़ बन सकती थी, ए और टीचर की, जो कि हमने यहाँ पर फिक्स कर दी है। इसके बाद देखिए, अब अगर मैं बात करूँ किसकी, ई और पिंक की, तो ई आपके पास क्या है, म्यूजिशियन है। सो देखिए मैं इसको कहाँ पर पुट कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर पुट कर सकता हूँ, अगर इन केस मैं यहाँ पर पुट करता तो आपके पास एक छोड़कर यहाँ पर राइट में क्या आया था आपका, पिंक यहाँ पर आता, फाइन। लेकिन उसने हमसे क्या बोला कि पिंक के आपके पास, मतलब उसका जो नेबर है वो कौन है, डी है, हमें ये चीज़ मालूम ना कि डी के राइट और लेफ्ट में आपके पास कहीं ना कहीं क्या है, पिंक और रेड आएगा, ठीक है। अगर मैं पिंक यहाँ पर पुट करता हूँ, इन दैट केस आपके पास क्या आना चाहिए था, डी आना चाहिए था इसके नेबर में, लेकिन यहाँ पर तो कहीं डी आ नहीं सकता है, इसका मतलब क्या है, आपके पास ई यहाँ पर नहीं आ सकता, ई यहाँ पर ऑलरेडी आ नहीं सकता है। अगर इन केस मैं ई को यहाँ पर पुट करता हूँ, तो देखिए एक छोड़कर यहाँ पर आपके पास पिंक आना चाहिए, अगर पिंक यहाँ पर आएगा तो डी को आप कहाँ पर पुट करा पाएंगे, सिर्फ यहीं पर पुट करा पाएंगे। अगर मैं डी को यहाँ पर पुट करता हूँ, इन दैट केस आपके पास रेड कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। लेकिन उसने हमसे क्या बोला है कि रेड किसके पास नहीं है, रेड पेंटर के पास नहीं है, ठीक है, इसका मतलब क्या है, आपके पास ई को मैं यहाँ पर भी पुट नहीं कर सकता हूँ, ई को मैं यहाँ पर ऑलरेडी पुट कर नहीं सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पर पुट करता हूँ ई को, म्यूजिशियन यहाँ पर भी नहीं आ सकता, आपके पास ई यहाँ पर आ सकता है क्या, अगर मैं ई को यहाँ पर पुट करता हूँ, तो इसके सेकेंड टू द राइट, मतलब यहाँ पर क्या आना चाहिए था, पिंक आना चाहिए, ठीक है, हमने यहाँ पर पिंक को पुट कर दिया। उसके बाद अगर मैं पुट करने जाता हूँ किसको, डी को, तो मैं डी को कहाँ पर पुट कर सकता हूँ, अगर मैंने इन केस डी को यहाँ पर पुट कर दिया, ठीक है, सो आप यहाँ पर किसको पुट कराएंगे, रेड को पुट कराएंगे, ठीक है। अगर इन केस डी यहाँ पर आता है ना, तो देखिए उसने हमें एक कंडीशन दी थी क्या कि एफ के सेकेंड टू द लेफ्ट में क्या है, आपके पास डी है, तो अगर मैं डी को यहाँ पर पुट करता हूँ, तो एफ कहाँ पर आना चाहिए था आपके पास, यहाँ पर, ठीक है। लेकिन एफ क्या है, देखिए एफ तो ब्लैक कलर है ना, एफ को क्या पसंद है, ब्लैक कलर, इसका मतलब क्या है, आपके पास डी यहाँ पर नहीं आ सकता, अगर डी यहाँ पर नहीं आ सकता तो मैं डी को सिर्फ यहीं पर तो पुट कर सकता हूँ ना, और कहीं आपके पास प्लेस बचा नहीं है। अगर मैंने डी को यहाँ पर पुट कर दिया, तो आपको रेड को यहीं पर पुट करना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पर क्या है आपके पास अभी पिंक है, फाइन। अगर सिमिलरली मैं इसमें बात करता हूँ आपसे किसकी, ई म्यूजिशियन की, ठीक है, तो ई म्यूजिशियन आपके पास कहाँ पर आ सकता है, देखिए ई म्यूजिशियन को मैं यहाँ पर पुट करा सकता हूँ क्या, अगर मैंने यहाँ पर पुट कराया तो इसके यहाँ पर मैं पिंक को पुट नहीं करा पाऊँगा, मतलब क्या, ई म्यूजिशियन आपका यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ पर भी नहीं आ सकता है, यहाँ पर नहीं आ सकता, यहाँ पर नहीं आ सकता, यहाँ पर नहीं आ सकता। ई म्यूजिशियन यहाँ पर आ सकता है क्या, अगर मैं ई म्यूजिशियन को यहाँ पर पुट करता हूँ, तो यहाँ पर आपके पास पिंक नहीं आ सकता, इसलिए यहाँ भी नहीं आ सकता, ई म्यूजिशियन को यहाँ पर पुट नहीं कर सकता हूँ, मैं अगर ई म्यूजिशियन को यहाँ पर पुट करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, पिंक आएगा, फाइन। फिर अगर मैं डी को पुट करने जाता हूँ, डी यहाँ पर नहीं आ सकता,
आपका डी यहीं पर आ सकता है, अगर डी यहाँ पर आएगा फिर मैं यहाँ पर रेड को पुट नहीं कर पाऊंगा। इसका मतलब क्या है, ये पॉसिबिलिटी आपके पास क्या है, रॉन्ग है। हम इसी पॉसिबिलिटी में वर्क करेंगे, मैं इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, ठीक। ओके, अब अगर मैं बात करूँ इसकी एफ और ब्लैक की, तो एफ ब्लैक कहाँ पर आ सकता है, यहीं पर आ सकता है एफ आपके पास, और ये क्या है, कलर इसका ब्लैक है, ठीक है। अब इसके बाद अगर मैं बात करूँ इसकी सी और बी की, तो उसने क्या था कि सी के थर्ड टू द आपके पास राइट में क्या है, बी है, तो मैं सी को कहाँ पर पुट करा सकता हूँ, आपके पास तीन प्लेसेस खाली हैं, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर, मैं सी को सिर्फ यहीं पर पुट करा सकता हूँ। अगर सी यहाँ पर होगा तो वन टू छोड़कर बी आपके पास यहाँ पर आएगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास बचा क्या है, आपके पास जी बचा हुआ है, तो जी यहाँ पर आ जाएगा आपका, फाइन। फिर अगर मैं बात करूँ डॉक्टर और क्रिकेटर की, तो डॉक्टर क्रिकेटर कहाँ पर आ सकते हैं, देखिए आपके पास यहाँ पर फिक्स हो गया है प्रोफेशन, यहाँ पर फिक्स हो गया, यहाँ पर फिक्स हो गया, यहाँ पर आपके पास बचा हुआ है ना, तो ऑब्वियसली आप डॉक्टर को सिर्फ यहीं पर पुट करा सकते हैं। अगर डॉक्टर यहाँ पर आएगा तो क्रिकेटर आपके पास यहाँ पर आएगा। फिर उसने हमसे क्या बोला था कि वो पर्सन जिसको रेड कलर पसंद है वो कारपेंटर नहीं है, इसका मतलब क्या है, कारपेंटर होगा यहाँ पर, ठीक है। तो आपके पास बचा क्या, आपके पास सिर्फ एक प्रोफेशन बचा हुआ है डांसर, तो डांसर आपके पास यहाँ पर आ जाएगा, फाइन। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। अब आपके पास एक कलर रह गया है ना, अगर मैं कलर की बात करता हूँ, तो उसने हमसे क्या बोला कि सी को वाइट कलर नहीं पसंद है, आपके पास कलर्स देखिए कहाँ रह गया, यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, यहाँ, 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 अब इन तीन जगह पर आपके पास क्या कलर्स बचे हुए हैं। तो उस टाइम से क्या बोला है कि सी को वाइट कलर नहीं पसंद है और जी को क्या पसंद है, ग्रे पसंद है, तो ग्रे तो यहाँ पर आ जाएगा, तो ऑब्वियसली फिर वाइट आपके पास यहीं पर आ सकता है। आपके सिर्फ एक कलर बचा हुआ है, देख लिए कलर कौन सा हो गया आपके पास, पिंक हो गया, फाइन, ग्रे हो गया, ओके, वाइट हो गया, पर्पल हो गया, रेड हो गया, ब्लैक हो गया, ब्लू हो गया, और बचा क्या आपके पास, येलो बचा है, तो येलो आ जाएगा यहाँ पर। तो ये बनेगी इसकी फाइनल पजल। आई होप आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट पजल देखते हैं, देखिए ओके, ये आपके पास नेक्स्ट पजल गिवन है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ, देखिए। ओके, सो क्वेश्चन में क्या गिवन है, उस टाइम से बोला है कि एट स्टूडेंट जिनके नाम यहाँ पर दिए हुए हैं फ्रॉम क्लास टेंथ इन लखनऊ पब्लिक स्कूल पार्टिसिपेटेड इन अ रेस एंड गॉट डिफरेंट पोजिशंस, ओके, पोजिशंस यहाँ पर दी हुई हैं, ठीक है। उसके बाद टू ऑफ देम रीच्ड एट द एंड एट द सेम टाइम, सो दे वर रैंक्ड द सेम, वाइल टू ऑफ देम डिड नॉट पार्टिसिपेटेड इन द रेस, दे ऑल वर फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस, प्लेसेस के नाम यहाँ पर दिए हुए हैं बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, ओके। सो हमारे पास जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो क्या है, आपके पास एट क्या है स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, और वो सब क्या करते हैं, एक रेस में पार्टिसिपेट करते हैं, और इनकी अलग अलग रैंक आती है, लेकिन रैंक आपके पास सिर्फ पाँच दी हुई है, ठीक है, सिर्फ क्या है, फाइव आपके पास रैंक्स हैं। और उसने बोला कि दो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि एंड पर साथ में पहुंचे, इसलिए दोनों को एक ही रैंक दी गई, और दो स्टूडेंट आपके पास ऐसे हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट ही नहीं किया, ठीक है। और उसके बाद क्या बोला कि सारे के सारे स्टूडेंट अलग अलग प्लेसेस से आते हैं, इसका मतलब एट आपके पास प्लेसेस दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये क्या आपके पास बेसिक इन्फॉर्मेशन है। अब इन्हीं सब पर बेस उसने हमें यहाँ पर कंडीशंस दी हैं, तो ये काम करते हैं हम क्या कि कंडीशंस को प्रॉपरली लिख लेते हैं और फिर उसके बाद इस पजल को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, सो एक काम करता हूँ मैं, क्या यहाँ पर रैंक्स में लिख लेता हूँ, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ठीक है, इस डायरेक्शन में क्या है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में, क्योंकि ऐसा सच यहाँ पर कुछ दिया नहीं हुआ है ना, कुछ मेंशन नहीं अलग से, इसलिए फर्स्ट आपके पास रैंक क्या होगी, बेस्ट रैंक होगी, और उसके बाद फिफ्थ क्या होगी आपके पास, जो ख़राब रैंक होगी वो होगी, ठीक है। अब कंडीशंस क्या दिया, देखिए उसने हमसे बोला है कि द वन फ्रॉम गोमती नगर इज़ जस्ट अहेड ऑफ द वन फ्रॉम हज़रतगंज, ओके, वो पर्सन जो कि गोमती नगर से है वो स्टूडेंट, ठीक है, वो जस्ट अहेड है किससे, अब इस डायरेक्शन में क्या होगा, अहेड होगा हज़रतगंज से, फाइन। उसके बाद एस वॉज थ्री पोजिशंस बिहाइंड क्यू, एस कहाँ पर है, थ्री पोजिशंस बिहाइंड क्यू है, इसका मतलब क्या, एस और क्यू के बीच में दो पर्सन होंगे, ठीक है। उसके बाद द वन फ्रॉम कपूरथला गॉट द फर्स्ट पोजिशन बट दैट विल नॉट बी क्यू, अच्छा उसने लग के जो पर्सन कपूरथला से है उसकी फर्स्ट पोजिशन आई है, लेकिन वो क्या नहीं है, क्यू नहीं है, ठीक है। उसके बाद द पर्सन फ्रॉम जानकीपुरम डिड नॉट पार्टिसिपेटेड इन द रेस, ओके, और वो पर्सन जो कि जानकीपुरम से उसने रेस में पार्टिसिपेट ही नहीं किया। और उसके बाद
वी वॉज नॉट एट द लास्ट पोजिशन, ओके, और वी लास्ट पोजिशन पर नहीं है, ठीक है. उसके बाद W इज टू पोजिशंस अहेड ऑफ V. W कहाँ पर है? वो टू पोजिशंस अहेड है V से, मतलब क्या, इनके बीच में एक कोई स्टूडेंट होगा. उसके बाद U हु इज फ्रॉम चार बाग वॉज आउट ऑफ द रेस, ओके, और U जो कि चार बाग से है वो रेस में पार्टिसिपेट नहीं करता है. उसके बाद P वॉज जस्ट बिहाइंड द वन फ्रॉम महानगर, ओके, और P कहाँ पर है? जस्ट बिहाइंड है किससे? महानगर वाले से, ओके. उसके बाद द पर्सन हु वर फ्रॉम केसरबाग एंड इंदिरा नगर रीच्ड टुगेदर बट दे डिड नॉट गेट द सेकेंड एंड थर्ड पोजिशन, ओके. उसमें हमसे कहा कि वो पर्सन या फिर वो स्टूडेंट जो कि केसरबाग, ठीक है, और इंदिरा नगर से हैं, वो साथ में पहुँचते हैं. मतलब जो पर्सन दो साथ में पहुंच रहे थे ना, वो कौन है? एक पर्सन केसरबाग से और एक पर्सन का है इंदिरा नगर से, दोनों साथ में पहुंचते हैं, लेकिन इनकी पोजीशन सेकंड और थर्ड नहीं है, ठीक है. उसके बाद पी वॉज नॉट फ्रॉम हज़रतगंज, ओके, और पी हज़रतगंज से नहीं है, ठीक है. उसके बाद टी डू नॉट बिलोंग्स टू इंदिरा नगर और जानकीपुरम, ओके, और टी ना ही इंदिरा नगर से है और ना ही जानकीपुरम से है, ठीक है. तो ये आपके पास क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन है. अब देखिए इसका हम यूज़ किस तरीके से करेंगे. उसने हमें एक पॉइंट बोला था क्या, कि आपके पास क्यू कहाँ पर नहीं आ सकता? फर्स्ट पर नहीं हो सकता, ठीक है. तो क्यू के लिए सिर्फ एक पोजीशन बची कि क्यू आएगा यहाँ पर, और एस कहाँ पर आएगा आपका? एस आएगा यहाँ पर, यही तो पोजीशन आई ना. उसके बाद अगर मैं डब्ल्यू और वी की बात करूँ तो देखिए वी आपके पास यहाँ पर नहीं हो सकता, ठीक. उसके बाद वी आपके पास अगर मैं यहाँ पर पुट करता हूँ, इन दैट केस डब्ल्यू आ जाएगा यहाँ पर, फिर आपके वो स्टूडेंट जो कि साथ में आए सेकंड पोजीशन पर हो जाएंगे. लेकिन हम एक चीज़ जानते हैं क्या, कि वो आपके पास सेकंड पोजीशन पर नहीं है. इसका मतलब क्या है, वी के लिए सिर्फ एक पोजीशन बची कि वी आएगा यहाँ पर और डब्ल्यू आएगा यहाँ पर, ठीक है. अब इसके बाद अगर मैं बात करूँ किसकी, पी और महानगर की, तो ये दोनों कहाँ पर आ सकते हैं? देखिए ये इन तीनों में पोजीशन पर तो आ नहीं सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं क्या, यहाँ पर आपके पास कोई भी डबल नहीं हो सकता है, इन दोनों में ही कहीं पर आएंगे. अगर मैं इन केस पी को यहाँ पर पुट करता हूँ तो इसके जस्ट आगे वाला क्या हो जाएगा, यहाँ पर महानगर हो जाएगा, ठीक है. और अगर मैं केसरबाग और इंदिरा नगर की बात करूँ तो वो इन दोनों में से कोई एक होगा, ठीक. तो इसका मतलब क्या है, इस पॉसिबिलिटी के हिसाब से अगर मैं इन दोनों को पुट करना चाहूँ तो मैं पुट नहीं कर पाऊँगा ना. इसका मतलब क्या है कि पी कहाँ पर आएगा आपका, पी आएगा नंबर 5 पर, ठीक है. और उसके बाद इसके जस्ट आगे क्या होगा, महानगर होगा, फाइन. उसके बाद अगर मैं पुट करना चाहता हूँ किसको, अब देखिए उसने कहा था कि टी ना ही इंदिरा नगर से है और ना ही जानकीपुरम से. अगर वो जानकीपुरम से नहीं है, इसका मतलब क्या है, वो रेस के बाहर नहीं है, तो वो रेस में होगा, तो यहीं पर आ सकता है सिर्फ टी, ठीक. अब अगर मैं इन दोनों को पुट करने जाता हूँ तो हज़रतगंज यहाँ पर और गोमती नगर यहाँ पर आ जाएगा. और इन दोनों में अगर मैं पुट करने जाऊँ तो किसको पुट कर सकता हूँ, केसरबाग और इंदिरा नगर, ठीक है. सो ये बनेगी इसकी फाइनल पजल, फाइनल अरेंजमेंट जो हमारे पास बनेगी वो ये बनेगी. अब देख लीजिए आपके पास जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया वो कौन है, एक तो यू जो कि चार बाग से है और जानकीपुरम से कौन है, देख लीजिए आपके पास क्या रह गया, पी हो गया, क्यू हो गया, आर, आर रह गया, तो आर आ जाएगा यहाँ पर, फाइन. सो ये बनेगी इसकी आखिरी पजल. आई होप आपको समझ में आया होगा. थैंक यू सो मच.